हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सस्पेंशन केबल एंड ब्रिज, राइट। सो लास्ट जो लेक्चर हम लोगों का था उसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सस्पेंशन केबल ब्रिज क्या होता है, जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज करते हैं, आरसीसी से ब्रिज बनाते हैं या हम ट्रस से ब्रिज बनाते हैं, वैसे हम केबल का यूज करके भी ब्रिज बना सकते हैं। और केबल में क्या होता है कि आपकी कोई भी रिवर है या कोई भी वाटर बॉडी है, उसके उस एंड पे एक आपका जो है पियर होता है और एक इस एंड पे होता है और बीच में आपकी डेकिंग स्लैब होती है, और किस तरीके से सस्पेंडर से केबल कनेक्ट होती है और क्या उसकी डिप होती है, किस तरीके से पुली होती है, क्या आपका रोलर सपोर्ट होता है, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अब इस लेक्चर में हमें एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें हमको एक केबल दी है, उसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर केबल है, 100 मीटर की लेंथ है और उसकी जो डिप है वो 15 मीटर है। और आपसे ये बोला गया है कि अगर उसके डेकिंग के ऊपर जो लोड आ रहा है वो 30 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम टेंशन कितना आएगा या मिनिमम टेंशन कितना है। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम टेंशन अगर आपको निकालना है केबल पे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर आप ये एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दीजिए और यहां पर इस पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा दीजिए। वर्टिकल रिएक्शन को मैंने VA बोला, हॉरिजॉन्टल को H बोला, और केबल से कनेक्ट होते हुए ये टेंशन आएगा, इस टेंशन को मैंने TA बोल दिया क्योंकि ये A पॉइंट है। इसी तरीके से बी पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन को बी भी बोल दिया, हॉरिजॉन्टल को एच भी बोल दिया और केबल से कनेक्ट करते हुए ये टेंशन को टेंशन एट पॉइंट बी बोल दिया। अब सबसे पहला काम मेरा होगा ये रिएक्शन कैलकुलेशन, तो रिएक्शन के लिए मैं ए पॉइंट की रिएक्शन सबसे पहले निकाल रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बी के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा, तो मैंने लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। और इसमें क्या कंडीशन बनेगी, ये वीए घूमेगा क्लॉक वाइज, तो वीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 हो जाएगा, जैसे नॉर्मल आज में निकालता था मैं वैसे ही निकाल रहा हूं, या मैं बीम में निकालता था वैसे ही निकाल रहा हूं। क्या किया मैंने, बी के अबाउट मूवमेंट लिया, ये वीए घूमेगा क्लॉक वाइज ऐसा जाएगा, तो वीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100। उसके बाद मैं यहीं पे खड़ा हूं, ये वर्टिकल लोड है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस 30 इंटू यूडीएल है डिस्टेंस 100 इंटू 100/2 हो जाएगी, 100 मीटर पे लग रहा है, इक्वेट किया जीरो से, तो यहां से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वीए आएगा जो कि आ रहा है 1500 किलो न्यूटन के बराबर, ये वीए की वैल्यू। इसी तरीके से जब आप वीवी निकालेंगे एट पॉइंट बी निकालेंगे, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए करेंगे, ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे और वीवी को देखेंगे, तो वीवी कैसा जा रहा है एंटी क्लॉक, तो माइनस वीवी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 100, मतलब यहां बनेगा माइनस वीवी इंटू ये हो जाएगा 100, राइट, प्लस ये यूडीएल जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब ऐसे घूम के आएगा क्लॉक वाइज, प्लस का 30 इंटू 100 इंटू 100/2, इक्वेट करेंगे जीरो से, यहां से वीवी निकालेंगे, वीवी भी आएगा 1500 किलो न्यूटन के बराबर, ये आपकी वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी होगी। और ये याद रखिएगा कि यहां पे मैंने वर्टिकल रिएक्शंस को अपवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है, क्यों लिया है, क्योंकि लोड नीचे लग रहा है ना, लोड कहां लग रहा है, डेकिंग यहां पे है, ये उल्टा है। आज क्या होता था, ऐसा होता था ऊपर से लोड आता था तो रिएक्शन हम ऐसे लेते थे, यहां पे क्या हो रहा है लोड नीचे जा रहा है तो रिएक्शन क्या लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, लोड के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, राइट। तो उधर लोड ऊपर से आ रहा था तो रिएक्शन नीचे से आ रही थी, अब यहाँ लोड नीचे जा रहा है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया, ये इसको अलग डायरेक्शन में लिया, क्लियर है, तो इसलिए आपको ये डायरेक्शन में लेना है। अब इसके बाद में आगे क्या, मेरी वर्टिकल रिएक्शन हो गई, अब मेरे को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसके लिए हम लेंगे टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, और सी कौन सा है, ये सेंटर पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का अबाउट ले सकते हैं, नॉर्मली हमारे पास सी पे डिप है तो हम सी का अबाउट ले रहे हैं, बाकी केबल पे सारे पॉइंट पे मूवमेंट की वैल्यू जीरो होती है, आप ए के अबाउट ले लें, बी के अबाउट ले लें, सी के लिए, यहाँ पे पूरा आपका मूवमेंट जीरो है, थ्रू आउट द केबल मूवमेंट जीरो। अब सी का अबाउट ले रहे हैं तो सी पे खड़े हैं, और कहाँ से ले रहे हैं, लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से कहीं से भी ले सकते हैं, लेफ्ट से मैं लेता हूँ तो सी पे खड़ा हूँ, लेफ्ट पे लूंगा तो एच ए घूमेगा, माइनस का एच ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50, प्लस का वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 और माइनस का 30 इंटू 50 इंटू 50/2, इक्वेट करेंगे जीरो से और यहां से निकालेंगे एच। कैसे किया, सी के अबाउट मूवमेंट लिया, यहां से ये एच लगेगा, कैसे आएगा, एंटी क्लॉक, माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 15, तो एच इंटू 50, प्लस यहां पे खड़ा हूं ये वी ए जाएगा, ऐसे जाएगा क्लॉक वाइज, वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50, उसके बाद यहीं खड़ा हूं 30 लग रहा है नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे खड़ा हूं, कैसे आएगा ऐसे, एंटी क्लॉक में 30 इंटू 50 इंटू 50/2, 50 मतलब हाफ पे ले रहा हूं क्योंकि सेंटर के अबाउट ले रहा हूं, तो यहां से मेरा एच निकल के आएगा जो कि आ रहा है 2500 किलो न्यूटन के बराबर, ये मेरी एच रिएक्शन, यही इक्वल होगी एच ए इक्वल एच बी होगा और इक्वल एच के होगा, जैसे आरचेस में होता।
अब मेरे को निकालना है, स्टेप नंबर टू में जाते हैं, मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन जिसको मैं टी मैक्स बोलता हूं, और इसके लिए कंडीशन होती है V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर मैक्सिमम टेंशन के। तो इसमें यहां पे मैंने V निकाल रखा है, वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन मेरी कितनी है 1500, ये निकालिए या वो निकालिए, 1500 के बराबर है का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, H मेरे पास है 2500। तो यहां से मेरा T मैक्स निकल के आएगा 2915.47 किलो न्यूटन के बराबर, इतना मैक्सिमम टेंशन मेरे केबल के ऊपर आ रहा है, मतलब केबल पे जो मैक्सिमम टेंशन डेवलप हो रहा है वो कितना डेवलप हो रहा है 2915.47 किलो न्यूटन के बराबर। तो किसी भी केबल के ऊपर अगर आपको मैक्सिमम टेंशन निकालना है तो उसके लिए पहले आपको वर्टिकल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, जिसका तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आर्चेस पे निकालते हैं। और उसके बाद सिर्फ मैक्सिमम टेंशन के लिए एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला लगाया जिसको यूज करके आप मैक्सिमम टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग केबल के क्वेश्चन में टेंशन को निकाल सकते हैं। थैंक यू।